स्पेशल अटेंशन आई थिंक हमारा अटेंशन सबको ही चला जाता है, हमें पता है हमारे कौन कौन से फ़ैन पेजेस हैं, तो आशी के फ़ैन पेजेस क्या हैं, बस जिसका अच्छा एडिट लग जाए यू नो, मेरा तो जाता है सब पे जाता है, ऐसा कोई स्पेशल अटेंशन आई डोंट नो। अच्छी एडिट के साथ दैट्स इट। जी आप फैन वाइज पूछ रहे हैं या फिर वैसे रियल लाइफ में पूछ रहे हैं? जनरली अगर किसी लड़की को मेरी अटेंशन चाहिए तो अगर मैं देना चाहता हूँ तो मैं दे ही दूंगा उसको, बस एग्जिस्ट करना है, कुछ एक्स्ट्रा ना करें मेरे लिए, और स्पेशली टू ऑल टू एवरीवन, कभी भी हर्ट मत करना अपने आप को, कुछ भी ऐसा स्टूपिड मत करना, क्योंकि इट्स नॉट वर्थ इट, ना मैं वर्थ हूँ ना आप वर्थ हो उस पेन के, तो जस्ट एग्जिस्ट एंड यू विल गेट माय अटेंशन। व्हेन यू टॉक अबाउट अटेंशन, I absolutely have idea about all my fan pages, but अगर attention special चाहिए तो I think जो बहुत बड़े बड़े से captions लिखते हैं और अपनी feelings उस caption में you know caption के through बताते हैं, I think उससे मैं बहुत ज़्यादा touch हो जाती हूँ, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े paragraphs लिखते हैं इतने प्यारे emojis के साथ और अपनी feelings बयान करते हैं, तो I think yeah maybe a good big caption। मैं निकाल देता हूँ कहीं पे मतलब as in के किसी चीज़ पे या किसी उस पर मैं अपनी सैडनेस, अगर कोई पिल्लो पड़ा होता है तो पिल्लो को स्क्वीज़ कर देता हूँ या फिर ऐसे, तो मतलब आई जस्ट लेट दी एनर्जी फ्लो थ्रू मी, तो मैं उसको अंदर नहीं रखता, वो निकल जाता है। मैंने कुछ क्रेज़ी जो मैं फिर से नहीं करूँगा, मैंने एक भी लेक्चर अटेंड नहीं किया वो मैं कर रहा हूँ अभी भी, पर वो करना नहीं चाहिए और मैं आगे नहीं करना चाहता। How do I treat people who annoy me for no reason? मैं उनको बोल रही थी मेरे पास मत आओ जो मुझे अनॉय करते हैं, यहाँ पर भी हैं सेट पे एक दो जिनको मैंने बोला हुआ है कि प्लीज़ आप अनॉय करते हैं, आप प्लीज़ मेरे पास मत आओ, अदरवाइज सब बहुत अच्छे होते हैं, एंड देन यू नो अगर आप किसी से अच्छे से बात कर रहे हो, आप उनको रिस्पेक्ट कर रहे हो, रूड नहीं हो उनके साथ, तो हर कोई आपके साथ अच्छे से ही होगा। मैं कैसे अनॉय करता हूँ लोगों को, मैं कभी कभी वैसे बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, पर अगर मैं बोलने पर आता हूँ तो फिर कुछ भी बोलता चला जाता हूँ, तो उससे आई थिंक पीपल अनॉय हो जाते हैं, पर इतना मतलब कुछ बात नहीं होती, और अभी भी मैं जैसे बोल रहा हूँ भी मतलब की बातें बोलता रहता और फिर इस वजह से शायद से लोग अनॉय हो जाते हैं। एंड हाउ डू आई ट्रीट पीपल हु अनॉय मी, आई थिंक मैं बहुत कम अनॉय होता हूँ, देर आर वेरी फ्यू टाइम्स व्हेन आई रियली गेट अनॉयड, और जब मैं अनॉय होता हूँ तो मैं चुप हो जाता हूँ और मेरी शक्ल से पता चल जाता है कि भाई नहीं दूर हो जाओ इससे। बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि इतने सारे लोगों के बीच में हमें पहचाना जा रहा है, आई थिंक बहुत ही अच्छी फीलिंग है, बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ मैं, आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल गॉड को, उन सबको, सब बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, लव देम। और मेरे साथ तो अभी स्टार्ट ही हुआ ये सब, और अभी मतलब 4 or 5 इंस्टेंसेस हुए होंगे, बट बहुत ऐसे अजीब सा फील होता है कि मतलब पहले मैं एग्जिस्ट नहीं करता अभी जैसे दुनिया मेरा नया जन्म हुआ है। आई थिंक मुझे हमेशा से एक रोल करना है, मुझे एक वॉरियर का रोल करना है हमेशा से, अभी जो मैंने किया है उसमें कुछ कुछ चीज़ें जो मैं करना चाहती थी वही करने मिली है, जैसे मुझे शॉर्ट फायरिंग करने मिले, हॉर्स फायरिंग करने मिले, ये सारी चीज़ें मुझे करनी है। मुझे ऐसे रोल करने हैं जिसमें ऑडियंस को सोचना पड़े कि मैं क्या सोच रहा हूँ, और जिसमें ऑडियंस का बहुत ज़्यादा इनपुट हो रादर देन कि वो सिर्फ ले, जैसे तमाशा में रणबीर कपूर ने किया, तो वो बहुत ही एम्बिगुअस रोल था कि लोगों को सोचना पड़ रहा था कि वो सोच क्या रहे, तो मुझे ऐसे लोगों को कन्फ्यूज़ करने में बहुत मज़ा आता। अगर मुझे सुपर पावर मिलेगी 1 घंटे के लिए तो मैं वो सुपर पावर यूज़ करके वो अपनी लाइफ के लिए ले लूँगा, जो भी सुपर पावर मिलेगी। फैंस को क्या सिर्फ थैंक यू इतनी बार बोल चुके हैं, वर्ड्स ख़त्म हो जाते हैं थैंक यू कहते, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, इतने प्यारे DMs, एडिट्स,
बनाने के लिए, इतने बड़े बड़े कैप्शंस लिखने के लिए, इतना सारा अपना टाइम, कीमती टाइम हम लोग को देने के लिए, एग्जाम के टाइम पे भी शो देखने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए थैंक यू। आज हमारे 50 एपिसोड्स कंप्लीट हो जाएंगे और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड आई थिंक आहान और मेरी जर्नी बहुत सिमिलर रही है शो में, कि हम पहले बहुत ही नाइव, बहुत ही वल्नरेबल से थे, बट अब हम थोड़ा सीख रहे हैं, थोड़ा दुनिया में आ रहे हैं और आगे जाते रहना ऐसे ही, और हमारे फैंस की वजह से हम ऐसे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे, आपको हंसाते रहेंगे, आपको रुलाते रहेंगे और आपको एंटरटेन करते रहेंगे। कीप वॉचिंग टू आशिकी 7 PM मंडे टू फ्राइडे ओनली ऑन कलर्स।